अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट टिम्पेनोमेट्री। ये इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री के दो टेस्ट होते हैं। इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री आपका जो हेयरिंग टेस्ट है उसमें से एक टेस्ट होता है, जिसमें आप बेसिकली बच्चों में ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक टिम्पेनोमेट्री होती है और दूसरा आपका होता है अकाउस्टिक रिफ्लेक्स। अलग अलग वीडियोज़ में आपको दोनों के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टिम्पेनोमेट्री, टिम्पेनोमेट्री एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप सिंपली इस प्रिंसिपल पर बेस करते हैं कि आपका जो जब आपकी साउंड कोई भी जाती है ना एक्सटर्नल ईयर में से, आपको साउंड को किसी को भेजेंगे तो वो आपकी, जाहिर सी बात है कि आगे आपका क्या पड़ा हुआ है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपका ईयर केनाल है तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, तो वो साउंड वेव्स जाके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से स्ट्राइक करती हैं। उनमें से फिर क्या होता है कि जब वो स्ट्राइक करती हैं तो आगे आपका मिडल ईयर में ऑसिक्यूलर सिस्टम है। ठीक है, ऐसे एक बोन है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, तो उसके बाद कुछ साउंड वेव्स जो है वो आगे ऑसिक्यूलर सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाती हैं। ऐसा ही है, ठीक है। जितनी साउंड्स नॉर्मल ईयर में अगर जाएंगी, एक साउंड देंगे हम, एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ साउंड की इतनी हमने देनी है, जब हम देंगे तो जितनी साउंड को नॉर्मल ईयर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट बैक साउंड्स हम चेक कर लेंगे कितनी रिफ्लेक्ट हुई हैं। अगर नॉर्मल रिफ्लेक्ट हुई हैं तो इसका मतलब जो ट्रांसमिट आगे हुई हैं वो भी नॉर्मल हुई हैं। इसका मतलब ये है, जब नॉर्मल अमाउंट ऑफ साउंड आगे ट्रांसमिट होंगी, कि कॉम्प्लायंस ऑफ योर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मिडल ईयर सिस्टम इज नॉर्मल, बिकॉज आप इसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और मिडल ईयर सिस्टम की कॉम्प्लायंस ही चेक कर सकते हैं ना, बिकॉज सबसे पहले साउंड वेव जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से स्ट्राइक करनी है और स्ट्राइक करने की वजह से वो आपके मिडल ईयर में ट्रांसफर होनी है। अगर आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है या फिर आपकी किसी भी एक बोन में प्रॉब्लम है या मिडल ईयर में कहीं भी आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किसी एक बोन पे या किसी मसला कहीं भी यहाँ पर मसला आ रहा है सारे सिस्टम में, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि आपकी साउंड पूरी ट्रांसफ़र आगे नहीं हो पाएगी, या फिर कहीं पर हो सकता है कि ऐसा मसला हो कि साउंड ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाए। तो इन एनी केस जो रिफ्लेक्टेड बैक साउंड है उस पर फ़र्क पड़ेगा, और जब हमारी रिफ्लेक्टेड बैक साउंड पे फ़र्क पड़ेगा तो हमें पता चल जाएगा कि मसला किस किस्म का है। तो इस टेस्ट को जिसमें हम इस प्रिंसिपल पे चेक करते हैं कि कुछ साउंड ने आगे जा रहे हैं, कुछ ने रिफ्लेक्ट बैक होने, रिफ्लेक्टेड बैक हम मेजर कर लेंगे और देखेंगे कि नॉर्मल अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक हुई है कि नहीं हुई, इससे हम पता चल जाएगा कि कितना आगे वाला सिस्टम कॉम्प्लाइंट है, कितना नॉर्मल है। तो इसे हम कहते हैं टिम्पेनोमेट्री सिंपली। इसका टेस्ट करने के लिए फिर यही वाला सिस्टम है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने 220 हर्ट्ज की जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है उस पर हमने एक साउंड या एक टोन पेशेंट के कान में डिलीवर करनी है, ठीक है, उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, ये आपकी साउंड डिलीवर की हमने। उसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा एक और अदर, उससे हमने अपना माइक्रोफोन होता है, उससे हमने जो रिफ्लेक्टेड बैक साउंड है उसको पिक कर लेना है कि कितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई है, और फिर हमने ईयर केनाल में डिफरेंट प्रेशर्स पे देखना है कि क्या कितनी अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और कितनी जो है वो आगे जा रही है। सिंपली ये बात है। उसके बाद हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जिसको टिम्पेनोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब टिम्पेनोग्राम आपको ऑस्पी में आया करता है, जिसका आपने आपको इंटरप्रिटेशन वगैरह वो पूछते हैं कि आप बताएं कि इसको ये किस किस्म का टिम्पेनोग्राम है, आइदर इट इज़ नॉर्मल और नॉट। टिम्पेनोग्राम ऐसे करके ग्राफ होता है जिसमें आपने यहाँ पर यानी आपके जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यस, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे आपने अपनी ली हुई होती हैं लाइक प्रेशर चेंजेस, सब दरमियान में आप ज़ीरो रखते हैं, इस साइड पे आपके नेगेटिव प्रेशर्स होते हैं 100 एंड -200, ठीक है, और इस साइड पे आपके पॉजिटिव प्रेशर्स है +100 एंड +200, ये आपके सारे प्रेशर चेंजेस आ जाते हैं। और जो आपका वाई एक्सिस है इस पे आप लेते हैं सिंपली अपनी कॉम्प्लाइंस को, ठीक है, कि कितना कॉम्प्लाइंस है कितना नहीं है। अब जो नॉर्मल आपका होता है ना, जो नॉर्मल आपकी प्रेशर रेंजेस हैं आपकी आनी चाहिए, दैट इज़ दैट शुड बी बिटवीन -100 एंड +100। लाइक जो पीक आती है ना कॉम्प्लाइंस की, जो मैक्सिमम कॉम्प्लाइंस होती है वो आपकी ज़ीरो प्रेशर पे आती है, ठीक है, यानी आपका प्रेशर जब बिल्कुल नॉर्मल होगा, जब आप कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ होगा आपने, तब आपके मिडिल ईयर सिस्टम की कॉम्प्लाइंस की पीक मैक्सिमम आनी चाहिए। और पीक मैक्सिमम कितनी होती है, बिटवीन 0.3 से लेकर 1.5 ml के दरमियान, ठीक है, ये आपकी कॉम्प्लाइंस की पीक होती है जो मैक्सिमम होती है। सपोज करते हैं हम कि वो यहाँ पर है, सही है, ज़ीरो की प्रेशर पे मैक्सिमम कॉम्प्लाइंस लाइज बिटवीन 0.3 to 1.5 ml। उसके इधर उधर जितनी भी होगी हमारे पास कॉम्प्लाइंस वो डिक्रीज होती जाएगी, इधर से इस तरफ आते जाएंगे तब भी हमारी कॉम्प्लाइंस डिक्रीज होती जाएगी, नेगेटिव प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे पॉजिटिव प्रेशर की तरफ आते जाएंगे तब भी कॉम्प्लाइंस डिक्रीज होगी। तो इस किस्म की जो पीक बनती है ना लाइक ऐसे करके, दिस इज़ योर नॉर्मल टिम्पेनोग्राम। अब हमारे पास अगर ऐसा हो कि किसी भी जगह पर हमारे जो टिम्पेनो पूरा का पूरा हमारा मिडिल ईयर सिस्टम है उसमें सपोज करते हैं कि हमारा कोई ऑसिकल जो है वो हार्ड या स्क्लेरोस हुआ है, ठीक है,
जब हमारा कोई ऑसिकल स्क्लेरोसिस हुआ हुआ होगा, उसका हार्डनिंग हुई होगी, या फिर कहीं पर एक जॉइंट जो आपके ऑसिकल्स दरमियान में है वो आपका हार्ड हुआ होगा, या फिर हो सकता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की स्क्लेरोसिस हुई हुई हो, या हार्डनिंग हुई हुई हो, थिकनिंग हुई हुई हो, जब भी इनमें से कोई भी एक बात होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो अंदर कम ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा होंगी। जब रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा होंगी तो हमारे पास कॉम्प्लाइंस तो होती है ना, एबिलिटी किसी भी चीज़ की जो उसे रिसीव करे या उसे आने दे। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो अंदर वाला सिस्टम है वो हमारी साउंड को आने नहीं दे रहा, तो कॉम्प्लाइंस डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में प्रेशर उतना ही रहता है लेकिन आपकी कॉम्प्लाइंस इधर आती है, तो ये आपका कर्व बनता है। अगर आपका कर्व इस तरह का आएगा तो आपने लिखना है कि स्क्लेरोसिस ऑफ द मिडल ईयर स्ट्रक्चर्स ये शो करता है, ठीक है, डिक्रीज कॉम्प्लाइंस। उसके ऑपोजिट अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हुई हुई है जिसमें आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जरूरत से ज़्यादा फ्री हुई हुई है, या इलास्टिक हुई हुई है, या लैक्सिटी उसमें आई हुई है, या फिर आपके जॉइंट्स में जरूरत से ज़्यादा रिलैक्सिटी या इलास्टिसिटी आई हुई है, उसमें क्या होगा कि आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएंगी आगे, और थोड़ी रिफ्लेक्ट बैक होंगी, ठीक है। जब थोड़ी रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो इसका मतलब है कि हमारी कॉम्प्लाइंस ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हुई हुई है, तो आपका ऐसे करके ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा आएगा तो आपने ध्यान रखना है, उसमें फिर आपकी जो कॉम्प्लाइंस है वो 1.5 ml से बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपने ध्यान रखना है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंक्रीज कॉम्प्लाइंस या फिर इंक्रीज लैक्सिटी इन द मिडल ईयर। फिर हमारे पास एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा मिडल ईयर जो है, आपको पता है इफ्यूजन सपोज करते हैं हुई हुई है, या एक्यूट या क्रॉनिक सेपरेटिव टाइटिस मीडिया हुआ है जिसमें आपका मिडल ईयर जो है वो फिल हुआ हुआ है किसी फ्लूइड से, ठीक है। जब मिडल ईयर आपका किसी फ्लूइड से भरा हुआ है, किसी भी किस्म के फ्लूइड से भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम प्रेशर डिक्रीज करें या हम प्रेशर इंक्रीज करें, इट डजेंट मैटर, इट वॉन्ट रिस्पॉन्ड, वो उसमें सेम कॉम्प्लाइंस रहेगी। बिकॉज आपका पहले तो वैसे साउंड वेव्स जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ऑसिकल्स में जा रही थी ना, अब आपका ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके पीछे ये तीन ऑसिकल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ सारी जगह पर आपका फ्लूइड ही फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड जब इतना सारा भरा हुआ होगा तो साउंड वेव्स को वो कहाँ पर, कहीं प्रेशर के चेंज करने से, यानी नेगेटिव प्रेशर पे ना वो साउंड वेव्स को ज़्यादा होने देगा या कॉम्प्लाइंस को बेहतर होने देगा, ना वो पॉजिटिव प्रेशर पे कॉम्प्लाइंस को कम होने देगा, बिकॉज फ्लूइड भरा हुआ है सारा। तो इस केस में आपका जो आता है ग्राफ वो एक नॉर्मल कॉम्प्लाइंस पे लाइक 1.5 के करीब ही होती है कॉम्प्लाइंस, लेकिन प्रेशर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, और ऐसे एक स्ट्रेट ग्राफ आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। इसका मतलब होता है अगर इस तरह का ग्राफ है कि देर इज सम इफ्यूजन या फ्लूइड इन द मिडल ईयर जो कि उसको आगे ही नहीं जाने दे रहा। फिर अगर एक और कंडीशन होती है हमारे पास, अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ यानी मिडल ईयर की तरफ मूव तब करती है जब मिडल ईयर में नेगेटिव प्रेशर होता है, ऐसा ही है, ठीक है। और मिडल ईयर में नेगेटिव प्रेशर कब हो सकता है, जब आपकी यूस्टेशियन ट्यूब नॉर्मल नहीं है। यूस्टेशियन ट्यूब का क्या काम है, प्रेशर बैलेंस मेंटेन करना है ना उसने। अगर यूस्टेशियन ट्यूब क्लोज्ड है, यूस्टेशियन ट्यूब के क्लोज होने की वजह से हमारे पास जो मिडल ईयर का प्रेशर होता है वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज एयर आहिस्ता आहिस्ता अंदर से सक आउट हो जाती है और मजीद एयर उसको रिप्लेस नहीं कर रही होती, तो इस वजह से उसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाती है और प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। जब नेगेटिव प्रेशर होगा हमारी मिडल ईयर के अंदर तो जो मैक्सिमम कॉम्प्लाइंस आएगी तो वो भी तो नेगेटिव साइड पे ही आएगी, फिर जीरो पे थोड़ी आएगी। तो इसमें हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो ऐसे करके बनता है, ठीक है। ये अगर ग्राफ इस तरह का आएगा जिसमें पीक नेगेटिव पे आई हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि देर इज समथिंग नेगेटिव प्रेशर इन साइड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसकी मोस्ट कॉमन कॉज आपकी यूस्टेशियन ट्यूब डिसऑर्डर है। सो ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है, बहुत सिंपल सा होता है ये, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।